अविनाश और फुकरा का हुआ है बहुत बड़ा झगड़ा। टॉस के दौरान अब तीन ही दावेदार कैप्टेंसी के लिए रह गए थे, जिसमें अविनाश, जैड और पूजा भट्ट हैं। यहाँ पर आशिका और मनीषा बिल्कुल नहीं चाहते, यहाँ तक कि अभिषेक भी, कि अविनाश कैप्टन बने। वो चाहते हैं कि पूजा भट्ट या जैड में से ही कोई एक कैप्टन बनना चाहिए। आशिका लगातार अविनाश का खराब करने की कोशिश कर रही है और मनीषा भी, लेकिन यहाँ अविनाश ने इस टास्क में अब गाली दे डाली आशिका को और मनीषा को। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है फुकरा से, और फुकरा ये कहता हुआ नजर आया कि तू लड़कियों को गाली कैसे दे सकता है, उन पर हाथ कैसे उठा सकता है। और अब इसी बात को लेकर बड़ी लड़ाई जो है हो गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ एल्विश भी नहीं चाहता कि अविनाश बने, और एल्विश भी अविनाश का निकालता हुआ नजर आया था, लेकिन यहाँ फुकरा जो हमेशा अविनाश की रिस्पेक्ट करता आया है, उसे ये बात बुरी लगी कि उसने मनीषा के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब फुकरा जो है चढ़ गया है अविनाश पर और उसको साफ कहा है कि तुझे तो दिन रात एल्विश के आगे हाथ पैर जोड़ने चाहिए, उसकी वजह से तू दिखना शुरू हुआ है। इससे पहले तो कोई कुत्ता भी तुझे नहीं पूछ रहा था, तुझे इस शो में दिखाया तो एल्विश नहीं है, और तू लड़कियों को ही अपना दम दिखाता है, लड़कियों के सामने ही अपनी ताकत दिखाता है, तुझ में तो शर्म आनी चाहिए, तू लीडर बनने के तो लायक ही नहीं है, तुझे हम कैप्टन क्यों बनाए। तो इस तरीके से अब अविनाश और फुकरा की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, और मनीषा को उसने जो कुछ बुरा भला कहा है वो उसे अब भारी पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट करके ज़रूर बताएं।